दोस्तों आज थोड़ा जानेंगे कि कहाँ हम आईजीबीटी यूज करेंगे, कहाँ हम मॉस्फेट यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कहीं भी हमें किसी भी पावर सर्किट में या अपने डिजिटल सर्किट में कहीं भी स्विचिंग करवानी होती है, स्विचिंग हमें करवानी होती है, तो हम या तो यूज करते हैं ट्रांजिस्टर, उसको बोल देते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक, या फिर आ जाता है मॉस्फेट। इन इन दोनों के बीच में आ जाती है एक चीज, वो हो जाती है आईजीबीटी। अब सबके अपने अपने, जैसे हर चीज की अपनी अलग वैल्यू है, ऐसे ही हर किसी का अपना अपना एक रोल है, सबके फायदे अलग हैं। जैसे बीजेटी है बाइपोलर है, ये यूनिपोलर है, ये बाइपोलर है, और इसकी स्पीड जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है बीजेटी की कम होती है, मतलब कि जो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं वो इसकी कम होती है, मॉस्फेट की ज्यादा होती है। लॉसेस मॉस्फेट में कम होते हैं, बीजेटी में ज्यादा होते हैं। और जो आईजीबीटी है वो इन दोनों के बीच का है, दोनों का मिश्रण है। कैसे? उसमें क्या है कि जो गेट साइड होती है वो आ जाती है मॉस्फेट की तरफ से, और जो कलेक्टर और एमिटर होते हैं वो आ जाते हैं बीजेटी की तरफ से। इसका लोगो कुछ ऐसा होता है, सिंबल इसका ऐसा होता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। और ये जो गेट हो गया, ये इंसुलेटर गेट हो गया, ये मॉस्फेट की तरह हो गया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉस्फेट का तो हमने गेट वाला पोर्शन ले लिया, और कलेक्टर और एमिटर वाला पोर्शन ले लिया हमने ट्रांजिस्टर का। इससे क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी हमें ट्रांजिस्टर से अच्छी मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ट्रांजिस्टर से अच्छा मिल जाता है, प्लस जो वोल्टेज को रोकने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि आईजीबी मॉस्फेट इतने ज्यादा हाई वोल्टेज में नहीं आते, आईजीबीटी हाई वोल्टेज में आते हैं, जिसको आपको 1200 वोल्ट, 1 kV, 2 kV आराम से मिल जाते हैं मॉस्फेट, आईजीबीटी ज्यादा वर्किंग वोल्टेज ज्यादा मिल जाती है, मॉस्फेट में इतने नहीं मिलती। तो आपको जो बीजेटी है उसके आपको हाई वोल्टेज वाला फीचर मिल गया आईजीबीटी में, और मॉस्फेट का आपको फ्रीक्वेंसी वाला मिल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों के बीच में रहता है। हम ये देखेंगे बिकॉज ठीक है, बाइपोलर स्विचिंग है, इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, लॉसेस इसमें ज्यादा होते हैं, बीजेटी में लॉसेस ज्यादा हैं, आईजीबीटी में थोड़े उससे थोड़े कम हैं, मॉस्फेट में बहुत कम लॉस होते हैं एज कंपेयर टू आईजीबीटी। तो लॉन्गर टर्न ऑफ टाइम, इसका टर्न ऑफ टाइम लॉन्गर होता है, जबकि मॉस्फेट का नहीं होता इतना ज्यादा। आईजीबीटी में ज्यादा स्विचिंग लॉसेस होते हैं, मॉस्फेट में इतने नहीं होते। लेकिन आईजीबीटी का यह है, एक सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसमें वोल्टेजेस, वर्किंग वोल्टेज ज्यादा मिल जाते हैं, विथस्टैंड वोल्टेज हमें ज्यादा मिल जाती है, और लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है, वो तो ठीक है, वो तो अपने इसमें भी मॉस्फेट में भी आरडीएस ऑन रहता है, कोई ज्यादा पंगे की बात नहीं है। लेकिन इसमें जो मेन फीचर है, इसकी वर्किंग वोल्टेज हमें काफी ज्यादा मिल जाती है, बीजेटी के फीचर इसमें मिल जाते हैं हमें। तो क्या है, अब देखो यहाँ मॉस्फेट हमारा जो है, कहीं लो वोल्टेज एप्लीकेशन है, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, आप 500, 600 वोल्ट तक भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको मॉस्फेट अच्छा काम करेगा। लेकिन जहां हमें हायर वोल्टेज चाहिए होती है, विथस्टैंड वोल्टेज हमें ज्यादा हायर चाहिए, ज्यादा वोल्टेज को उसको स्ट्रेस करना है, वहां पर हम आईजीबीटी यूज करेंगे। 1200 वोल्ट के आते हैं आईजीबीटी, 1500 वोल्ट, 2000 वोल्ट, मतलब आईजीबीटी का पूरा वो ही आता है, ब्लॉक ही आता होता है, मॉड्यूल ही आता है, उसमें एच ब्रिज बना हुआ होगा आपका, उसमें तीन तीन हाफ ब्रिज बने हुए होंगे, इनके पूरे मॉड्यूल आते हैं, क्योंकि मॉड्यूल आते हैं पूरा बड़ा होता है वो, और उसमें हीट सिंकिंग भी प्रॉपर हो जाती है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज का मामला है। मॉस्फेट के इतने मॉड्यूल्स नहीं आते, क्योंकि मॉस्फेट इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज पर नहीं जाते, 500, 600 में मान लो हद से हद, और अगर ज्यादा जाना है आते हैं, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं है, मोस्टली 600, 650 बस हद होगी, यहाँ तक का यूज करना मॉस्फेट का सही है, इससे आगे मॉस्फेट को यूज मत करो। करंट कैपेसिटी दोनों की ही ज्यादा होती है, दोनों उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, करंट कैपेसिटी मॉस्फेट की भी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, लेकिन लॉसेस मॉस्फेट में कम होते हैं। लेकिन वही बात है, अगर मुझे हाई वोल्टेज पे काम करना तो मेरे को फिर आईजीबीटी लेना पड़ेगा। जैसे ये है आईजीबीटी मॉस्फेट यूज डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है, आईजीबीटी जैसे उसमें इन्वर्टर एप्लीकेशन स्विचिंग हायर ओवरलोड इंटरेंस। आईजीबीटी कब का है, जहाँ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से अपनी कम है। कोई आपकी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से कम है, आप आईजीबीटी यूज करना, क्योंकि वही बात है, ये
इसमें बीजेटी का मिश्रण है, बीजेटी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता, मॉस्फेट काम करता है क्योंकि इसका टर्न ऑफ काफी फास्ट होता है, इतने लॉसेस में नहीं होते। बीजेटी का और आईजीबीटी का टर्न ऑन टर्न ऑफ इतना फास्ट नहीं होता, इसलिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता। तो आपको कहीं छोटी फ्रीक्वेंसी पे काम करना तो आप आईजीबीटी को यूज करो। मॉस्फेट के लिए हाँ, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ रही है, 20 से ऊपर है, हम जैसे SMPS में 60 किलोहर्ट्ज, 65 किलोहर्ट्ज, 130 किलोहर्ट्ज, 150 किलोहर्ट्ज आराम से चलता है, आपके बक कन्वर्टर आते हैं या बूस्ट कन्वर्टर हैं, ICs आती हैं, उन सब में स्विच एज ए मॉस्फेट ही होता है, वो 250 किलोहर्ट्ज तक भी और आगे भी चल रहे होते हैं, कोई सी दिक्कत नहीं। मॉस्फेट आर यूज फॉर सम लो कैपेसिटी इन्वर्टर एप्लीकेशन, वही करंट और वोल्टेज का मेन रहता है। IGBTs आर यूज फॉर सॉफ्ट स्विचिंग एंड हाई करंट डेंसिटी एप्लीकेशन, और इनको दोनों को अपने अपने तरीके से, जो मैंने आपको बताया किन किन तरीकों से इनको यूज करना है, वो हम यूज करेंगे। इस वाले रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई कहाँ कहाँ पर उस जो अब तक हमने पढ़ा था पीछे, उसको समराइज टाइप कर दिया, कैसे जो IGBT है वो 20 किलो हर्ट्ज तक के लिए हम यूज करेंगे, उसमें कोई भी एप्लीकेशन है, मोटर कंट्रोल की एप्लीकेशन है, रेफ्रिजरेटर्स की है, इन्वर्टर्स की है, एयर कंडीशन में यूज होता है, UPS आ गया, कहीं भी हमें 20 किलो हर्ट्ज से कम की ऑपरेशन करना है तो हम IGBT यूज करेंगे। 20 किलो हर्ट्ज से 80 किलो हर्ट्ज का है ये क्या कर रखा है, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा रंग बदल दिया। इसमें क्या है कि अपने हिसाब से देख लोगे, अगर तुम्हें सूट करता है तुम यूज कर सकते हो। जैसे PFC AC में PFC होता है, वो हाई फ्रिक्वेंसी पे रहता है, तब भी उसमें कई देखा है डिजाइन में ना, उसमें IGBT यूज कर लेते हैं। रेजोनेंट पावर सप्लाईज में यूज होती है IGBT। ऐसे ही मॉस्फेट है, मॉस्फेट को जैसे हायर, जैसे IGBT का 80 किलो हर्ट्ज तक अंत मानो, इससे ज्यादा नहीं आप मत चलाना इनको। बाकी सबसे अच्छा तो यह है कि 20 किलो हर्ट्ज तक आप चलाओ IGBT, इससे आगे मत चलाओ। अगर 80 किलो हर्ट्ज से या उससे आगे है तो फिर आपको मॉस्फेट ही लोगे, मॉस्फेट का ही यूज करना। जैसे शुरू में अगर छोटी फ्रिक्वेंसी पे यूज करना है तो देख लो, अगर आपको मॉस्फेट से मिल जाती है वो सारी परफॉर्मेंस तो आप मॉस्फेट यूज कर लो। अदरवाइज मॉस्फेट तो रेकमेंड होता है कि 20 किलो हर्ट्ज या से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी पर आप, उसमें चाहे कोई भी चार्जर है आपका, UPS है, DC-DC कन्वर्टर है, मैंने बताया ना बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, वो सारे उसी में ही आते हैं। तो ये आपको एक इनसाइट मिल गया, इससे क्या है आप कहीं भी आपको जो एप्लीकेशन है, आपको जो यूज करना है, उसमें आप देख पाओगे कि मेरे को IGBT यूज करना है या फिर मुझे मॉस्फेट यूज करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए ट्रिक के साथ, नए कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।